खासकर कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की दिन है, खुशी का जो माहौल चल रहा है अभी खासकर पूरे मधुबनी में। रहिका प्रखंड के अध्यक्ष हैं आप, और जिस तरह से 20,000 के ऊपर के करीब लगभग लीड मिला है, क्या कहना चाहते हैं, कैसी तैयारी हुई, क्या रहा उसमें? इस तैयारी में हम अपने जो हमारे बूथ लेवल के जितने हमारे कार्यकर्ता थे, पन्ना प्रमुख थे, इन सबके सारे कार्यकर्ता मिल के एक जन जन तक हमने पहुँचा, और बहुत अच्छी तैयारी से हम लोग ने इस बार पहली बार बिस्फी विधानसभा के रहिका प्रखंड से हम लोग ने 20,000 का लीड मिला, और ये ऐतिहासिक लीड पहली बार बिस्फी विधानसभा से मिली है। कद्दावर नेता के सामने कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा, क्या कहना चाहते हैं उसके? हाँ, मेहनत करना पड़ा, लेकिन इस बार हम लोग का राष्ट्र के जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी का जो मुहिम चला था राष्ट्रवाद, ये बहुत बड़ा फैक्टर इस बार हम लोग को काम आया। इस बार कहीं ना कहीं जात पात का कोई भेदभाव कहीं कुछ दिखा नहीं कि भाई जात के ऊपर वोट रहा, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा? नहीं, सभी धर्म के लोग इस बार जाति से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद के मुद्दा से हम लोग लड़े हैं, और जो कि आप वहां पे राष्ट्रवाद के मुद्दा पे भारतीय जनता पार्टी कमल छाप, सीधा संवाद था भारतीय प्रधानमंत्री का कि कमल छाप पे वोट डालो हमें वोट मिलेगा, कैसा लग रहा था माहौल लोगों का? माहौल इस बार बहुत सारे मतलब इस 2014 से जो हम लोग 2014 में लहर कहते थे, इस बार नरेंद्र मोदी जी का सुनामी की तरह से इस बार पूरे मधुबनी जिला में जो हम लोग ने लीड दिया है, बिहार के नंबर वन हमारे लोकसभा ने लीड मतलब से जीते हैं हमारे प्रत्याशी अशोक यादव जी। जी, क्या तैयारी चल रही है आगे जीत के बाद? जीत के बाद जो भी काम पिछले हमारे हुकुमदेव नारायण जी जो पद्मभूषण से सम्मानित हुए हैं, वो जो काम छूटा हुआ है और अब आगे बढ़ाने की तैयारी है, और केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में नहीं है और चीनी मिल, ये सारी तैयारी अब हम लोग की चल रही है। आगे कोई जुलूस निकालने वाले आजकल में मतलब आप लोगों का कोई तैयारी है? कल हम लोग 5 बजे रहिका प्रखंड मुख्यालय से पूरे जुलूस निकलेगी, विजय यात्रा निकलेगी, हमारी अध्यक्षता में पूरे रहिका से पूरे रहिका प्रखंड में विजय जुलूस निकलने की तैयारी है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? प्रभांशु कुमार झा और सोनू जी। आईटी सेल का जो भार था आप लोगों का, जिला संयोजक हैं आप, क्या लग रहा था, कैसे मतलब तैयारी शुरू किए थे और आज अंतिम चरण में जब आए तो बड़ा बहुमत मिला प्रत्याशी को, क्या कहना चाहते हैं? पूरा सोशल मीडिया और जमीन पे भी पूरा हर एक जगह भाजपा का ही लहर था, और ये आप परिणाम से भी देख सकते हैं, भाजपा ने 352 सीट पे जीत हासिल की है, और मधुबनी से डॉक्टर अशोक कुमार यादव 4,54,900 वोट से लगभग जीते हैं। ये लहर ने एक सुनामी मोदी लहर, पिछले बार मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था सर, मोदी के काम पे चुनाव लड़ा गया है, और ये परिणाम से स्पष्ट मिल रहा है। क्या था मतलब, क्या जैसे कि ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी कि पार्टी कार्यालय से मैसेज आता होगा कि आपको डालना है फेसबुक पे या कोई सोशल साइट पे, कैसा रहता था वो? बिल्कुल मतलब पार्टी के हम लोग का था फेसबुक पे, मतलब पार्टी की जो जितनी भी योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, जनधन योजना है, हर एक योजनाओं का पब्लिक में पहुंचाना, कितना लाभ मिला, मतलब पार्टी का जितना भी काम हो वो पब्लिक मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना, ये चीज़ था वो हम लोग ने पहुंचाया, और ये परिणाम भी दिख रहा है। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में कितना युवा को हक मतलब अपना हक मिला है या नौकरी मिला, ऐसी कोई बात? जी, मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारे युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी में भी मिल रहा है, हरे को मुद्रा लोन मिल रहा है जिससे वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और अब युवाओं के लिए सबसे बेहतर सरकार है मोदी सरकार। युवाओं के लिए राजनीति कैरियर कितना अच्छा है, क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के लिए बीजेपी का राजनीति कैरियर बहुत ही अच्छा है, और यहाँ से एक बेंगलोर से सांसद हमारे तेजस्वी सूर्या जो 28 साल के हैं, वो भी एक निर्वाचित हुए हैं, वो भाजपा युवा मोर्चा में ही हैं, वो भी सांसद निर्वाचित हुए हैं। क्या नाम हुआ? आयुष सिंह, भाजपा युवा मोर्चा आई टी से लिया से मुझे। धन्यवाद जी, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी को जीत की बधाई जी, साथ साथ आज हम लोग इस जश्न में जो एक उत्सव है जहाँ पे हम लोग होली दिवाली साथ मना रहे हैं, तो सबसे पहले ये लोकतंत्र का जो महापर्व है, इस महापर्व में जितने भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए हैं, जिला प्रशासन हो या जो भी हो सकती है कि हमारे उन लोगों के बीच में बहुत सारे बातों को लेकर मतभेद भी रहा हो, जिसमें कि हो सकता है कि हर बात से हर को संतुष्ट नहीं किया जा सकता हो, लेकिन जिस तरह से जनादेश मिला है, सबसे पहले उन सबको जिन्होंने एक बार फिर से भरोसा करके काम के आधार पर जिस तरह से जनादेश देने का काम किया है, निश्चित तौर पे
उसके ऋणी हैं हम सब भाजपा परिवार, और उस ऋणी को ठन ठन काम करके चुकाने का जितना प्रयास हो सकता है किया जाएगा। क्या नाम हुआ? सुदर्शन।